कैसे हैं आप सभी? नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉइन बॉलीवुड दर्शन में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिंग सीखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत परेशानी होती है, आप कर नहीं पाते। आप जब भी करने की कोशिश करते हैं शर्म आती है और झिझक होती है और कई सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फेस करते हैं, लेकिन आज मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको कौन कौन से एक्सप्रेशन करने हैं। 10 ऐसे एक्सप्रेशन मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे ही मैं कोई एक्सप्रेशन आपको बताऊं या कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको बताऊं तो आप मेरे साथ साथ उसको फॉलो करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मेरे साथ फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप सिर्फ देखें नहीं, आप प्रैक्टिकली उसको करें और सीखें भी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप रेडी हैं तो मैं भी रेडी हूं, अगर आप रेडी नहीं है तो जाइए, मैं भी नहीं सिखाता हूं। नहीं, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूं, आप मेरे साथ करते रहिए और इस पूरे सेशन का मजा लीजिए। तो दोस्तों, आज का ये सेशन चालू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले आप करते हैं क्या, वार्म अप। उसी तरीके से जब भी हम फेस एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज करते हैं या सेट पर जाते हैं तो जाने से पहले हमें फेस एक्सप्रेशन कि जो छोटी मोटी एक्सरसाइजेस होती हैं वो करनी पड़ती है, ताकि हमारे जो फेस के मसल्स हैं वो स्टिफ ना रहें, रिलैक्स हो जाएं और थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। तो मैं जैसे जैसे चीज़ें आपको बताता जाऊंगा आप करते जाइएगा और आप देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फेस के वार्म अप। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फेस के जो मसल्स है उसको वाइड ओपन करना है और उसके बाद उसको स्क्वीज करना है, मतलब एकदम पूरा इलास्टिसिटी की तरह उसको ओपन करना है और उसके बाद उसको स्क्वीज करना है, छोटा करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, ऐसे जितना आप ओपन कर सकते हैं इसके बाद आपने स्क्वीज कर दिया आप भी करिए मेरे साथ देखा आपने, जब आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्चुअली फील होगा कि आपके जो फेस के मसल्स है वो एकदम उनमें स्ट्रेचिंग भी हो रही है, वो कॉन्ट्रास्ट भी हो रहे हैं। तो ये सबसे पहले एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज है आपको जो अपनी चिन है, जो जॉ लाइन है आपकी, उसको राइट और लेफ्ट लेकर जाना है इस तरीके से। कुछ सेकेंड्स तक आपको ऐसा करना है और उसके बाद फिर ये जो आपके फोरहेड में जो आप देख रहे हैं, जो आपके मसल्स है फोरहेड पे, उसको स्क्वीज करना है और साथ में आप नोज को भी करिए। देखिए ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फोरहेड के मसल्स जो हैं उतने ज़्यादा स्क्वीज नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना वो सब एक एक मसल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है और फोरहेड। अब आपको करना है अपने आईबॉल्स को राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ऊपर और नीचे शिफ्ट करना है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी बेसिक एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, जिसको करने के बाद आपके मसल जो है अभी बहुत आराम से रिलैक्स हो गए होंगे। पहले जो बहुत ज़्यादा स्टिफ थे अब उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई होगी। अब हम करते हैं हमारे फेस एक्सप्रेशंस को स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं स्माइल। स्माइल दोस्तों, आप जनरली स्माइल करते होंगे, लेकिन कभी आपने ट्राई किया है कैमरे को चालू करके उसके सामने इंटेंशनली स्माइल करने का? मतलब अगर आपसे कोई कहे कि चलो कैमरा ऑन है अब आप स्माइल करिए, कितना मुश्किल होता है आपके लिए स्माइल करना। आज हम उसकी डिटेलिंग को समझे कि क्या होता है जब हम स्माइल करते हैं, हमारे फेस के मसल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप, ये मेरा नॉर्मल फेस है, अब मैं जब इस पर स्माइल करूँगा तो ऐसे होगा। तो मतलब क्या हुआ, मेरे लिप्स और मेरे चीक्स ये जो है ऊपर की तरफ गए। आप जब भी स्माइल करते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर में भी ड्रॉ करते हैं ऐसे स्माइल, तो हमेशा जो आपके चीक्स हैं और जो लिप्स हैं वो आपके ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी जैसे मैंने दांत दिखाया, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल, मतलब सबके केस में ऐसा नहीं होता कि हर कोई
दांत दिखाए, कई लोग दांत दिखाते कई लोग दांत नहीं दिखाते, तो डिपेंड्स कि आपका सीन क्या है, आपकी लाइंस क्या है, उसके हिसाब से उतने इंटेंसिटी के साथ आप हंस सकते हैं। अभी ये जनरल एक नॉर्मल स्माइल थी कि किसी ने आपकी तारीफ की और आप हंस दिए। लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ बहुत फनी इंसिडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा आपने कुछ फनी देख लिया, उसके बाद आपकी हंसी जो है रुक ही नहीं रही है और जो है देख रहे हैं कि मेरे जो दांत है वो पूरे दिखाई दे रहे हैं, मेरे गम्स भी जो है पूरे दिखाई दे रहे हैं, मैं वाइड लाउड हंस रहा हूं, इसका मतलब कुछ बहुत फनी हो गया है। तो आपने देखा बेसिक डिफरेंस, जब हम नॉर्मल स्माइल करते हैं और जब हम बहुत लाउड स्माइल करते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है। आप भी जब इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ, आई एम श्योर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है, हमारे चीक्स पे भी पेन होने लगता है क्योंकि हम जो है मसल्स को ऊपर की तरफ पुल करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। इससे आप देखते होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा हंस लेते हैं कभी कभी तो आपके पूरे फेस में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सप्रेशन की जो है कंटेम्प्ट, मतलब निंदा। आपको कोई इंसान पसंद नहीं आया, आपने उसको मतलब नकार दिया, आपको नहीं अच्छा लगा, वो होता है जैसे हम बोलते हैं किसी को बात करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे ये जो हमारा मसल आप देख रहे हैं लिप्स, हमने एक तरफ खींच दिया यहाँ पे ऐसे, पसंद नहीं है मुझे, पकाता रहता चिट्ठी को, ठीक है दोस्तों। तो ये था कंटेम्प्ट। अब हम बात करते हैं डिसगस्ट की। डिसगस्ट यानी कोई चीज़ जब आपको एकदम ही पसंद आए, भद्दी सी गंदी सी चीज़, जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं अचानक से आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जिसका आपने सोचा भी नहीं था और एकदम से एकदम ही वाहियात चीज़ है आपके लिए, तो आप कैसे करते हैं उस वक्त, अपने नोज़ को ऊपर पुल करते हैं, अपनी लिप्स को ऊपर इस तरीके से आप कि आपको बहुत गंदा लग रहा है कुछ देखते हुए। जैसे मैं अभी रास्ते में चल रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं चल रहा हूँ ऐसे रास्ते में, चलते चलते अचानक से मेरी नज़र किस चीज़ पे पड़ी और छी होता ना, मतलब हम इस तरीके से एक्सप्रेशन करते हैं ना, अचानक से आपको कोई चीज़ बहुत गंदी दिखाई दे रास्ते में, कोई चूहा मरा हुआ है या कुछ अजीब सी कोई चीज़ आपने देख ली और आप मतलब एकदम से नफरत हो गई आपको उस चीज़ से, तो ये है बेसिकली डिसगस्ट। आपको वाहियात चीज़ कोई दिखाई दी, आपको आपने सोचा ही नहीं था, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसगस्ट। उसमें आपने क्या किया, अपने नोज़ को जो है आपने ऊपर की तरफ किया और लिप्स को आपने ऊपर की तरफ किया, हाँ छी इस तरीके से। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंगर की। जब भी आपको गुस्सा आता है, आपने कभी रियलाइज़ किया कि आपके साथ क्या होता है, अंदर से तो आप बर्न हो रहे होते हैं और ऊपर से चेहरे पर क्या होता है, आपके जो आईब्रोज हैं वो सेंटर की तरफ आ जाते हैं ऐसे नीचे सेंटर की तरफ, आईज जो है छोटी हो जाती हैं और नोज़ आप हमेशा देखेंगे कि जो नोज़ होती है वो इस तरीके से नोस्ट्रिल्स, और जो लिप्स है आपके ऊपर वाली वो भी हमेशा छोटी हो जाती है आपकी, ऐसे नहीं होती ऐसे, मतलब हंसी है ऐसे हो जाती। आंखें जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आपको तब ऐसी होती हैं, उसमें भी आपके लिप्स छोटी रहेंगे यहाँ पे, लेकिन जब आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, आपको अपने सिस्टर पे, अपने ब्रदर पे, फैमिली के किसी मेंबर पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, कोई इंसिडेंट सोचिए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा एक्सप्रेशन एंगर। दोस्तों अब हमारा एक्सप्रेशन है कंसर्न। कंसर्न मतलब आपको चिंता हुई किसी की फिक्र है आपको। मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव है आपके पास में और उसकी फिक्र हो रही है आपको, उसको अचानक से हाथ में या पैर में कुछ लग गया और आपने देखा उसको चोट लगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा आपके फेस मसल्स पे, रिलैक्स रहेंगी आपकी फेस की मसल्स ऐसे। क्या हुआ, चोट लगी है? दिखा ओके ऐसे नहीं होगा। मतलब आपका जो फेस है वो इस तरीके से, आपका पूरा फेस यहाँ से डाउन होगा, आईब्रोज आपकी डाउन होंगी और आपका जो मुंह है थोड़ा सा ओपन होगा। आप एक बार करके देखिए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? दिखा? ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कंसर्न कि आपको चिंता जब किसी की होती है तो उस वक्त आप इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दोस्तों अब हमारा एक्सप्रेशन है सरप्राइज्ड। मतलब आप अचानक से किसी चीज़ को देखते हैं और बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। आपका बर्थडे था या कोई ऐसा फंक्शन था आपके घर में, आपके लिए अचानक से कोई बहुत बड़ा तोहफा किसी ने दिया है और आप अचानक सरप्राइज हो गए। आपने उम्मीद नहीं की थी कि वो तोहफा आपको मिलने वाला है। मान लीजिए कि आपके बर्थडे के दिन आपको एक बहुत लग्जरी गाड़ी मिल जाती है, एक बड़ी सी लग्जरी कार आपके पास आ जाती है और आप अचानक से उसको देख के मतलब आप सरप्राइज हो गए, क्या है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये चीज मुझे मिलेगी। सरप्राइज, आप अचानक से किसी चीज को देखते हैं सामने, आंखें वाइड ओपन, चेहरा मुंह जो है आपका ओपन हो जाता है और आंखें वाइड ओपन, दोनों ओपन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था हमारा सरप्राइज। आप अचानक से किसी चीज को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। दोस्तों अब है हमारा एक्सप्रेशन सैड, जो कि पूरा का पूरा उल्टा है हैप्पी के। हैप्पी में आप क्या कर रहे थे, आपके जो लिप्स हैं ऊपर की तरफ जा रहे थे, आपके चीक्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन सैड में उल्टा होगा। सैड में आपका पूरा का पूरा फेस नीचे आ जाएगा। मतलब ये आप देखिए फेस, यहाँ पे लिप्स भी आप देखेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा, पूरा चीक्स वगैरह सब नीचे आ जाएंगे क्योंकि आप बहुत सैड हैं। आप कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है कि आपके फेस मसल्स ऊपर जाएं। ठीक है, तो आप नॉर्मल कोई चीज आपके साथ हुई आपको नहीं अच्छा लगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आईब्रोज भी नीचे, पूरे चीक्स नीचे, लिप्स नीचे, एवरीथिंग इज डाउन। और आप सैड हैं, आप दुखी हैं, आप कुछ है, ऐसी चीज हुई आपके साथ, आपको नहीं मजा आया उसमें, नहीं अच्छा लगा, आपको वो एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको बहुत बुरा लगा, तो उसमें क्या होता है कि आप सैड हो जाते हैं, आपके जो फेस के पूरे मसल्स हैं वो सब नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन था हमारा सैड, उसमें आपके सारे फेस के मसल्स सब नीचे आ जाते हैं, आपके आईब्रोज नीचे आ जाती हैं, सब ढीले पड़ जाते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है फेस के ऊपर, सैड। तो ये था एक टेक्निक जिसके जरिए आप सैड दिखा सकते हैं। अब हम करने वाले हैं फियर। फियर, आप अचानक से डर गए, किसी ऐसी चीज को आपने देख लिया, आपको शॉक लग गया, क्या ये, आप देखिए अचानक से कोई भूत आपको दिखाई देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं, अचानक से आपकी आंख खुली, होता ना जैसे आप डर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आपके फेस पे उस तरीके का एक्सप्रेशन, अचानक से क्या आ गया सामने से, होता है ना कि आपने देखा कैसे आपको, मतलब आपकी आंखें भी फट गई, फटी की फटी रहेगी, आपने अचानक कुछ ऐसा देख लिया कि क्या है, जैसे कई लोग छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, तब भी उनका यही हाल होता है। आप भूत से डरिए, कुछ लोग कॉकरोच से भी डर जाते हैं, तो उस वक्त आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और चेहरा जो है ना एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा चेहरा बन जाता है, कुछ अजीब होता है, कंट्रोल नहीं होता आपका अपने सेंसेस के ऊपर, तो फेस के ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल रहता नहीं, उस वक्त चेहरा देखने लायक हो जाता है। और लास्ट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है प्यार का, लव।
लव का आपने देखा होगा एक्सप्रेशन हमेशा मतलब एक अलग सी रौनक होती है चेहरे पे, स्माइल होता है आंखों में, आपकी एक अलग चमक सी होती है, आपको सामने वाला अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल, आपके पास स्टाइल होगा, थोड़ा चेहरे पे स्माइल होगी, रौनक होगी आपके चेहरे पे, आप फील करें कि आप कोई आपको पसंद आ रहा है, तो आप कैसा आपका एक्सप्रेशन होगा उसको देखकर। आईबॉल्स आपने देखा थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है वहाँ, आईबॉल्स शिफ्ट होंगी, चेहरे पे एक स्माइल सी होगी, एक रौनक सी होगी आपके चेहरे पर, आप इस तरीके से खुश भी हो रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ ये करते हुए। ये टेक्निक्स है, छोटी छोटी सी टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके साथ रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा हो, आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, उस वक्त आप नोटिस करिए कि आपके चेहरे पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सा मसल कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, किस तरीके से किस मसल को आप स्ट्रेन दे रहे हैं, किस पर आप प्रेशर लगा रहे हैं, ये चीज़ें आप नोटिस करते रहिए। क्योंकि जब आप रील करेंगे उसको, रियल से जब आप रील करेंगे कैमरे के सामने, जब रील लाइफ में उसको करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि अचानक से अगर आप कैमरे के सामने जाते हैं और आपको अगर डायरेक्टर बोलता कि आप सैड हैं, जबकि आप सैड हैं नहीं, आपको अंदर से एक्साइटमेंट हो रही है कि आप जाके शूटिंग कर रहे हैं, आपको डायरेक्टर बोल रहा है आप सैड हो जाइए, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और स्पेशली रोना और हंसना, ये दो चीज़ें जो हैं आप कंटिन्यूस बेसिस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा सीखने में, हंसने में और रोने में। बहुत अजीब सा फील होता है कि आपको कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है रो, या ज़बरदस्ती बोल रहा है हंसो, इतने लोगों के सामने कोई आपको बोलेगा आप ज़ोर ज़ोर से हंसो बिना रीज़न के, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट आई एम श्योर कि अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजीली इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा, ऐसी जानकारियाँ लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपको इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो। इसलिए जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी।